हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फिर से आ गई हूँ एक और अनदर वीडियो के साथ। तो अभी सुबह का हो रहा है 5 और सबसे पहले मैं आ गई हूँ फटाफट से किचन में माही के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। साथ के साथ लंच बॉक्स भी रेडी करना है, तो ये माही खाएगी भी लेके भी जाएगी। तो ये रेडी टू मिक्स इडली जो होता है, इडली का बैटर वही है, और ये सूजी से बना हुआ है। तो यहाँ पर साइड में मैंने इडली मेकर में पानी चढ़ा रखा था बॉयल होने को, यहाँ पर फटाफट से इडली लगा दिया है। 15 से 16 मिनट में ये इडली ना बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाती है। ये आप लोग देख सकते हैं कैसे ये स्पून के साथ ही बाहर आ गया, बहुत ही अच्छे से ये पक चुका था। चलो फटाफट से इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पे लगाते हैं बादाम के पेस्ट का तड़का। तो बादाम को ना पहले से ही मैंने रोस्ट करके उसमें प्याज, सूखी लाल मिर्च और नारियल का बुरादा डाल के रोस्ट कर लिया था और साइड में रख लिया था। अभी इसका तड़का लगाते हैं। तड़का आप चाहो तो ऊपर से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं अधिकतर ना पैन में ही तड़का लगाती हूँ। या ऑयल डाला है, ऑयल में थोड़ी सी मैंने सूखी लाल मिर्च डाली, थोड़ा सा करी लीव्स डाला और ब्लैक सरसों या फिर राई, और साथ के साथ थोड़ी सी उड़द की दाल डाली है। और इसी के साथ यहाँ पे बादाम का पेस्ट भी डाल दिया है। आप चाहो तो इसके ऊपर से भी तड़का लगा सकते हो। मैं ज़्यादातर ऐसे ही तड़का लगाती हूँ। बस इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, मिक्स कर लेना है। और इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देना है। नमक बताना तो मैं भूल ही गई। चलो अभी फटाफट से इसको सर्व करते हैं माही के लंच बॉक्स में भी, और साथ के साथ वो अभी खा के भी जाएगी गर्मा गर्म। तो इसे पैक करती हूँ, माही के बैग में डालती हूँ, उसको स्कूल भेजती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी फाइनली मैंने माही को सुबह स्कूल भेजने के बाद सीधे अभी ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है। और अभी मैं नहा धोवा के काम वगैरह करके फिनिश हो गई हूँ। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले आपसे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, फिर मैं पूजा करूँगी। और ना आज घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और माही है। माही के पापा गाँव गए हैं और माही के दादाजी भी कुछ दिनों के लिए वापस आए हैं। माही के दादा भी आए हुए हैं और उनको ले कर गाँव गए हैं माही के पापा हम लोगों को अकेले छोड़ के। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमेशा तो माही के पापा के साथ ही मैं जाती हूँ, जहाँ वो जाते हैं मैं साथ ही जाती हूँ। लेकिन इस बार कुछ काम था घर पे, सो इसलिए माही के पापा और उसके दादाजी गए हैं। और हाँ, आज मेरा फास्टिंग भी है, तो फाइनली आज मैंने फास्ट किया है। क्योंकि सावन में ना हमेशा मैं 2 सोमवारी करती हूँ, या तो फर्स्ट या तो लास्ट, कुछ इस तरीके से। बस वो ग्रीन ग्रीन ड्रेस पहन लिया है, साड़ी पहन ली है मैंने। और ये साड़ी ना मैंने अपने भाई की पहनी है, जो मेरे भाई ने मुझे दिया था। आई गेस मुंडन था जब मेरे भतीजे का, तब मुझे मिला था ये साड़ी। मैंने ही खुद ये साड़ी पसंद किया था, तो इसलिए मैंने ये साड़ी पहन ली। बहुत दिनों के बाद पहना है, फाइनली आज मुझे मौका मिला पहनने का। और इसकी ब्लाउज़ भी मैंने आपको दिखाई थी, इसका पूरा ब्लाउज़ का लुक ना मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं चलती हूँ भगवान जी का पूजा कर लेती हूँ, शिव जी का। और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स वगैरह भी मंगा लिए थे बिग बास्केट से, तो घर पे कोई था नहीं तो मैंने बिग बास्केट से ही मंगा लिया। नहीं तो माही के पापा होते ना, उनके साथ जाके मार्केट से लाती और मंदिर भी जाती, लेकिन ना मंदिर गई हूँ ना मार्केट गई हूँ, सीधे घर पे फ्रूट्स वगैरह मंगा लिया है। यहाँ पे मैंने फ्रूट भी मंगाया है। चलो अभी भगवान जी का पूजा वगैरह करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, तो फाइनली पूजा हो गया, ये देखो। ओ गॉड, देखा, यही होता है गीली वाली लिपस्टिक से। तो यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह कर लिया है, ये आप लोग देख सकते हो। आज मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा, बहुत माही को ना, माही के लिए मैंने बनाई थी चावल, तो माही चावल खा के घी चावल के साथ, चावल यहाँ पे है तो माही को मैंने घी चावल दिया है, तो घी चावल खा के वो सो गई है। जब जब मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ ना, तो ये देखो लिपस्टिक,
ये बहुत दिन के बाद मैंने ये वाला आई है, ये लिपस्टिक ना बहुत ज़्यादा वो स्प्रेड होता है ये, इसलिए मैं इस टाइप के लिपस्टिक ज़्यादा नहीं लगाती। ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ ना, न्यूड लिपस्टिक ही लगाती हूँ जो ड्राई हो जाता है लगाते ही। फ़ैन मंगाना पड़ा, मैंने आपको छोटू सा बजाज का छोटा सा फ़ैन का रिव्यू भी आपको दिखाया था, शॉर्ट्स भी दिखाए थे, वो टूट चुका है। ये मेरा न्यू पूजा का फ़ैन आया है, माही के पापा ने क्विक लाया और क्विक दिया, क्योंकि किचन में ना गर्मी में बिना फ़ैन के नहीं रह सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा किचन में ही अपना लुक दिखा देती हूँ, यहाँ पे हवा बहुत अच्छा है। ये साड़ी तो जो नॉर्मल साड़ी होती है वो है, बट इसका ब्लाउज ना मुझे ये ब्लाउज ना मैंने नेट पे देखा था इस ब्लाउज का डिज़ाइन, तो ये पूरा फुल नेक कवर है और ये स्लीव्स इसका ऐसा है, या आप देख सकते हो। ये ना अलग से मैंने डिज़ाइन दिलवाया था, क्योंकि इसकी जो बूटी है ना साड़ी पे, ये जो छोटे छोटे से मोती जैसे बूटी लगे हुए, ये छोटे छोटे से, बट यहाँ पे है ना टेलर ने खुद से बड़ा बड़ा बीट्स लगा दिया और इसको चिपका दिया बीट्स को, जो काफ़ी अच्छा और लुक दे रहा है ब्लाउज को। पीछे से मैं आपको दिखाती हूँ इसका, ये है ब्लाउज का, शायद आपको दिख रहा हो, ये है ब्लाउज। तो मैंने आपको दिखाया था जब ये सिलवा के लाया था, तकरीबन यस एक डेढ़ साल के बाद शायद मैं इसको पहन रही हूँ। एक बार भी नहीं पहना इस ब्लाउज को। फाइनली आज सावन था और फर्स्ट सोमवारी मैंने किया 2023 की, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ग्रीन कुछ पहनती हूँ, तो मैंने पहन लिया है। बस बहुत ज़्यादा गला मैंने सारा छोटा करवा दिया, पूरा यहाँ से होना चाहिए था, यहाँ से थोड़ा सा नेक लग रहा है ना मेरा, बहुत ज़्यादा कवर है। लेकिन हाँ, विंटर के लिए बहुत अच्छा है, विंटर में ना पहने बहुत ही अच्छा रहेगा। ये हो गई साड़ी, बहुत ही कम्फर्टेबल। जब मैं बनारस से आई थी ना, तो मेरा तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मणिकर्णिका घाट जो मैं गई थी ना, वहाँ से जब मैं आ रही थी ना गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मतलब हम लोग उस गली से निकल के आ गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मेरा हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मैं आपको नहीं बता सकती, बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। तो 4-5 दिन ना मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, और मतलब लूज मोशन पता है मुझे कितना हो गया था, 14 से 15 लूज मोशन मुझे हो गए थे, बहुत ज़्यादा। खाना भी मैं 2 दिन से नहीं खा रही थी, कल से मैं खाना शुरू की हूँ, लेकिन आज फिर से मैंने फास्ट ही कर लिया, इसलिए अभी ना बहुत ज़्यादा पेट में वो दर्द हो रहा है, लग रहा है कुछ खा लूँ। तो चलो, दूध भी गर्म नहीं है, थोड़ा सा दूध बचा हुआ है, माही के पापा तो है नहीं, माही शाम को उठती है, उसी से मैं शाम को दूध मंगवाऊंगी। अभी मैं इसको गर्म करती हूँ और उसके बाद इसको इसके साथ केला खाऊंगी। यहाँ पे मैंने केला और हाफ मैंगो को कट किया है, तो केला अभी जाएगा दूध में, दूध के साथ खाऊंगी और मैंगो ऐसे ही खाऊंगी। तो आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ प्रसाद खाने, और आप सभी लोगों को सावन की सोमवारी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बहुत लेट से शुभकामनाएं दे रही हूँ ना सोमवारी की, बट कोई नहीं, मेरा सोमवारी जो है ना सावन का आज ही से स्टार्ट हुआ है, सो इसलिए था। फर्स्ट 2 सोमवारी में हमारे यहाँ पूजा नहीं हो रहा था, थर्ड सोमवारी जो आया उसमें मैं बनारस चली गई काशी विश्वनाथ जल चढ़ाने भगवान जी को, शंकर भगवान जी को, और वहाँ से आने के बाद मेरा तबीयत ख़राब हो गया था जैसा कि अभी बताया, और उसके बाद फाइनली इस सोमवारी को मुझे चांस मिला है, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। तो चलो अभी मैं खाती हूँ। सो ये गाइस फाइनली हो गया है, अभी शाम माही के ट्यूशन टीचर आए, इसलिए मैं स्लो बात कर रही हूँ। माही के सर आ गए हैं पढ़ाने के लिए उसको, और मैंने अपना साड़ी वगैरह से खोल लिया था, यहाँ पे मैंने बन बना लिया है, आवाज़ दे देती हूँ देखो। तो पढ़ते पढ़ते माही को लग गया प्यास, ये देखो 1 घंटा का ट्यूशन रहता है, और उसमें भी माही को क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए। जल्दी से पियो और जाके वहाँ बेसिन में पानी मार लो फेस के। चलो अभी शाम का फटाफट से आरती करती हूँ। चलो शाम की आरती भी हो गई है, और यहाँ पे देखो कुछ ग्रॉसरी का सामान आया था जो अभी तक मैंने नहीं रखा, अभी इसको रखना है। ये मैंने राइस मंगवाई थी, फिनाइल और
सरफेस क्लीनर, यहाँ पे कुछ ये गोविंद भोग राइस, और ये मैंने मंगवाया है चावल का आटा फ्लिपकार्ट पे ना बहुत ही चीप प्राइस में और बेस्ट क्वालिटी भी मिलता है साथ के साथ, तो ये मंगवाया था। और ये है पोहा ब्रेकफास्ट जो 1 रुपीज़ में मिला है, मतलब 1000 के ऊपर कुछ भी लो ना तो आपको कुछ भी फ्री मिलता है, एक दो चीज़ें, तो ये 1 रुपीज़ ऑफर था 1000 से अबव पे, तो ये मंगवाया है। तो बस यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। चलो अभी माही के सर पढ़ा के जाते हैं माही को, तो देखती हूँ क्या बनाऊँ अभी खाने में। अभी माही के लिए तो कुछ बनाना ही होगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लाइट लगाया, मतलब आज ना बहुत सारा मैंने काम भी किया था, पूरे घर को क्लीन भी किया था, लेकिन उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। सोचा क्या बार बार क्लीनिंग रिकॉर्ड करती रहूँ, सो इसलिए मैंने क्लीन नहीं किया था कि ना आज पूरा मैंने ये सारे सेल्फ वगैरह जो है ना, इधर वाले सेल्फ ये सब मैंने क्लीन किया था, सोफ़ा कवर वगैरह भी मैंने हटाया था। तो माही का बॉटल यहाँ है सो इग्नोर, आती है यहीं पे रखती है भाग जाती है, बार बार बोलो अंदर रखो बट ये सुनती नहीं है। तो चलो देखती हूँ क्या बनाते हैं आज शाम को, माही के पापा तो है नहीं, बस मुझे खाना है और माही को खाना है। हल्का सा कुछ बनाऊँगी, थोड़ा सा ऐसा बनाऊँगी जो मैं भी खा लूँ और माही भी खा सके। सिंघाड़े का आटा तो अभी मैं इसका बनाऊँगी पूरी, और खीर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है क्योंकि घर में दूध नहीं है, तो कल इसलिए अभी मैं इसका पूरी बनाऊंगी और साथ के साथ आटे का हलवा सोच रही हूँ बना लूँ, और माही के लिए कुछ भुंजिया वगैरह नमक वाली, क्योंकि आज के दिन ना हम लोग नमक नहीं खाते हैं, फास्ट के दिन मीठे ही मीठी चीज़ें ही खाते हैं, बिना नमक वाली कुछ भी चीज़ें खा सकते हैं बट उसमें नमक नहीं होना चाहिए। तो चलो अभी फटाफट से आटा सान लेती हूँ, नहीं ये फिंगर रिंग खोल लेंगे क्योंकि इनको पहनेंगे ना, देखो यही होता है पूरा आटा जो है ना इसमें लग जाता है, जिसके वजह से मैं थोड़ा सा इसमें घी डालूंगी, थोड़ा सा मैं घी डालती हूँ हल्का सा, और बस मैं और माही हैं तो इतना हमारे लिए आटा काफ़ी है। आप लोग देख सकते हैं तो मैंने घी डाल दिया, बहुत सारे लोग इसमें सेंधा नमक वगैरह भी डाल के बनाते हैं लेकिन मैंने सिर्फ इसमें घी डाला। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और इसका आटा लगा लेते हैं। मेरा आटा लग के रेडी है, इसको रखती हूँ साइड में, और सबसे पहले क्या करते हैं ना हलवा बना लेते हैं। हलवा बनाने के बाद गर्मा गर्म पूड़िया बनाऊंगी, तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है, घी में जाएगा आटा, और मैं और माही है तो थोड़ा साइड में बना रही हूँ क्योंकि कोई और तो मैं नहीं खाने वाला, मैं खाऊंगी और माही खाएगी, ये भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो गया आई गेस। चलो कोई बात नहीं, बच्चे का तो कल भी खा सकते हैं हलवा ना, बासी भी अच्छा लगता है। इसको अच्छे से हम अभी रोस्ट करेंगे, भूनेंगे, इसमें से एकदम सोंधी सोंधी खुशबू जब आने लगेगी तब इसमें जाएगा चीनी पानी, या फिर आप चाहो तो चीनी की जगह पर गुड़ भी डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। चलो इसको फटाफट से लाल करते हैं भूनी आँच में। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं धुआं निकलने लगा है और ये रोस्ट हो गया है अच्छे से। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी शुगर, चलो फटाफट से इसमें चीनी डालते हैं। देखो आपको जो शुगर चाहिए, वाइट शुगर भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, मैं ना ज़्यादातर ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ। इसको मिक्स करते हैं, इसमें पानी जाएगा, आटे के हलवा में ना मैं ज़्यादा पानी नहीं डालती, ज़्यादा पानी डाल दूंगा तो बहुत अजीब सा हो जाता है, एकदम लई टाइप का हो जाता है, इसलिए हल्का पानी डाल के मैं इसको मिक्स करूँगी, ये बहुत ही ज़्यादा क्विक हो जाता है और मुझे इसी टाइप की हलवा पसंद है। मैंने एक बार ना बहुत ज़्यादा पानी डाल के हलवा बना दिया था, आटे का इतना ज़्यादा बेकार लई टाइप लई जैसा उसका स्वाद लग रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी यहाँ पे हल्का सा घी या फिर आप चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हो, यहाँ हल्का सा मैंने घी डाल दिया है, इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे मेरी हलवा बनके रेडी है और आज मैं इसको निकालने वाली हूँ इस बाउल में। ये बाउल का सॉस मैंने आपको दिखाया था, ये 4 पीसेस का मैंने क्या इसको टोपिया भी आप कह सकते हो या फिर छोटे छोटे बाउल्स भी, तो 4 पीसेस का सबसे छोटा वाला जो पार्ट है ना ये है। तो आज मैं इसका स्वागत मीठे के साथ करती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी क्यूब से पीतल के बाउल में हलवा निकाल दिया है, सोमवारी का दिन भी है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेरा हलवा बनके रेडी, बहुत क्यूट लग रहा है ना गाइस, आप लोग देख सकते हो। तो
यहाँ पे ना मैं आपसे एक टिप्स शेयर कर रही हूँ कि क्या है कि ये जो सिंघारी का आटे का हलवा है ना, ये आटा गूंथता बहुत ज़्यादा है, तो इसको पहले तो मैं लोई बना के रख लेती हूँ। छोटे छोटे मुझे जितने खुड़िया चाहिए उसे लोई बना के थोड़ा इसको रख लेते हैं जिस तरीके से, या आप देख सकते हो इसको हल्का सा ऑयल में ऐसे डिप करेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, और फिर इसको ले लेंगे। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर इसको बेला है और जस्ट इसको मैंने यहाँ पे लिया हाथों पे और धीरे से हम इसको ऑयल के अंदर डाल देंगे जिस तरीके से। ये आपको देखो कितने अच्छे से ऊपर उठ के आ गया है। वाला देखो ये मानी ने कट किया एकदम फ्रेंच फ्राइज के स्टाइल में, ये आप लोग देखो कितना लंबा लंबा है। अब उसके लिए बनाती हूँ, तो यहाँ पे मेरा बन गया है पूरी हलवा, यहाँ पे मानी के लिए भुजिया बना रही हूँ। तो चलो भुजिया बनता है, फिर माँ बेटी खाते हैं आज रात का खाना, वो भी बिना पापा के अकेले, है ना। जिस दिन ट्यूशन टीचर आते व्लॉगिंग आई हूँ व्लॉगिंग। माही ने फ्रेंच फ्राइज की तरह भुजिया कट किया था ना, मतलब उसको तुम फ्रेंच फ्राइज समझ के खा लेना क्या। Okay. लंबा लंबा फ्रेंच फ्राइज की तरह भुंजिया है। चलो देखती हूँ जाके, मुझे जैसे आता था मैंने काट दिया। ये लो ओके स्टॉप ओके व्हाट फंस गया। अब इसका व्लॉग क्यों कर रही है, निकालो। ओह यार सॉरी, लगा फंसा दिया था माही मम्मा के काम में अपने हेयर को। फाइनली खाना बन गया है, रेडी हो गया है, मैंने सर्व भी कर दिया है, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये है मेरी थाली और ये है माही की थाली। चलो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे है हलवा, पूड़ी और आम, तो आज मैं यही खाने वाली हूँ। इसमें कोई भी नमक वगैरह नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ना विदाउट नमक ही खाया जाता है। वैसे बहुत सारे लोग खाते हैं नमक वाला, बस लहसुन प्याज जो है ना वो स्किप करते हैं लेकिन खाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, सोमवार के दिन हम लोगों के यहाँ ना विदाउट नमक खाया जाता है। और ये हो गया माही का थाली, आलू का भुंजिया, पूड़ी और आम, हलवा भी मैं माही को सर्व करती हूँ। तो तो हे गाइस, फाइनली आज के वीडियो का एंडिंग मैं यहाँ पे करती हूँ और मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को किसी भी पर्पज़ से मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैप्पी सोमवारी।